बीजेपी के लोग पूरे देश में आग और हिंसा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज इम्पॉसिबल। द एब्सोल्यूट फर्स्ट टास्क दैट वी हैव टू डू इन एवरी सिंगल इंडियन। वो आग लगाते हैं, हम बुझाते हैं। सर, 1947 में कांग्रेस ने ये भारत को खंडित किया था, भारत और पाकिस्तान, बाद में बांग्लादेश भी आया। अगर राहुल गांधी का मन में कोई एपोलॉजी है कि मेरा नाना ने गड़बड़ करके गया था, या पंडित नेहरू का समय में जो हुआ था वो होना नहीं चाहिए था, अगर उनका मन में रिग्रेट है, तो भारत जोड़ो अभी भारत का टेरिटरी में करके कोई फायदा नहीं है। आप पाकिस्तान को जोड़ने का कोशिश कीजिए, बांग्लादेश का जोड़ने का कोशिश कीजिए, और अखंड भारत के लिए प्रशस्ता कीजिए, अगर आपका मन में कोई रिग्रेट हो पार्टीशन के लिए। नए नए मुल्ला हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब भाजपा में गए हैं, तो नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है। ये संघ के कार्यालय में गए होंगे और उन्होंने अखंड भारत का नक्शा देखा, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब है। तो आज से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है। ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। आप समझ सकते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा अगर देखी जाए तो लगभग ये यात्रा 3500 किलोमीटर की है। इस यात्रा के दौरान 12 राज्य पड़ेंगे और 2 केंद्र शासित राज्य भी पड़ेंगे। आपको बता दें, साथ ही इस यात्रा को कंप्लीट होने में लगभग 150 दिन लग जाएंगे। इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर कांग्रेस पार्टी यात्रा क्यों करनी चाहती है? आपको बता दें, ये यात्रा बहुत पहले से ही प्लानिंग के तौर पर थी। कहीं ना कहीं जो भाजपा सरकार लगातार बढ़ती जा रही है और कांग्रेस की पार्टी लगातार टूटती जा रही है, इसी पार्टी को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। थोड़ा आपको मैं पीछे ले जाता हूं, अगर आपने ध्यान दिया होगा, ऐसी यात्रा एक समय पर भाजपा सरकार द्वारा की गई थी, जहां पर पूरे भारत को जोड़ा गया था और उनकी भी यात्रा काफी लंबी थी। इसी तरह की यात्रा कांग्रेस पार्टी कर रही है। पहली बार नहीं है कि ये कोई ऐसी यात्रा हो रही है कि सिर्फ यही कांग्रेस पार्टी कर रही है, भाजपा, कई पार्टियों ने भी ऐसी यात्रा करी है, जिससे कि वो अपनी पार्टी को मजबूत कर सके और अपनी पार्टी की ताकत पूरे देश भर में दिखा सके। सवाल उठता है कि इस यात्रा से कांग्रेस को आखिर कितना फायदा होगा, क्योंकि ये जो फायदा नोटिस किया जा रहा है, ये 2024 के चुनाव के तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि ये इस यात्रा के दौरान कई मुद्दे की बात कही जाएंगी। मुद्दे कौन कौन से होंगे, इनडायरेक्टली आसान शब्दों में समझे, जो भाजपा सरकार गलत नीतियां कर रही है इनके हिसाब से, एग्जाम्पल लगातार में बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसकी नीति के खिलाफ कांग्रेस आवाज इस यात्रा में उठाएगी। आपको बता दें, कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर यह भी आरोप लगाती आ रही है कि वो अपने मित्रों के लिए सब कुछ माफ कर देते हैं, मित्रों का ही फायदा देख रहे हैं, गरीब जनता पर वो ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही साथ लगातार कांग्रेस जो आरोप लगाती जा रही है, इस यात्रा के दौरान वो सारे आरोप को गिनवाती भी जाएगी राज्यों में। तो समझ सकते हैं कि इस यात्रा को कहीं ना कहीं इस मकसद से देखिए कि भाजपा सरकार की कमियों को गिनाना और अपनी पार्टी को किस तरह मजबूत दिखाना, ये कांग्रेस का मकसद है। खैर, हमें उस पल का भी इंतजार है जब ये यात्रा कंप्लीट हो जाएगी और आने वाले समय में इस यात्रा का कितना फायदा होगा कांग्रेस को, वो भी देखना बाकी है। आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस ये यात्रा शुरू कर रही है, उससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा? अपनी राय जरूर भेजें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और भी अपडेट्स के लिए बने रहें। ऑथम न्यूज के साथ, धन्यवाद।